स्वतंत्रता दिवस पर शहीद की पत्नी ने लिखा राष्ट्रपति के नाम पत्र। पत्र में सुविधाओं के लिए नहीं, सिर्फ शहीद को सम्मान देने की मांग। मालवा मिरर के लिए बेटमा से टोनी जैन की रिपोर्ट। आपके पसंदीदा चैनल मालवा मिरर ने हाल ही में देपालपुर तहसील के ग्राम पीर पीपलिया के एक ऐसे परिवार की खबर प्रसारित की थी जो एक ऐसे शहीद का परिवार है जिसने अब से 27 वर्ष पहले देश की रक्षा में अपनी जान दे दी थी। खबर इस बात पर केंद्रित थी कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद शहीद के परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई थी, जिस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। लोगों ने बीड़ा उठाया और भाजपा नेता विशाल राठी ने वन चेक वन साइन की अपील करते हुए शहीद का मकान बनवाने के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया, जो पूरा होता भी दिख रहा है। शहीद मोहन सिंह सुनेर, जो शहादत के समय बीएसएफ की त्रिपुरा की एक चौकी पर पदस्थ थे, की पत्नी राजूबाई ने व उनके पुत्र विनोद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शहीद को सम्मान देने के लिए निवेदन किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनके पुत्र विनोद तथा उनके लिए राशि एकत्रित करने वालों में से कुछ ने मालवा मिरर से अपने विचार साझा किए। जो ये वन शहीद पर चेक जो अभियान चला है, उसमें उसके पहले हमने एक अप्लाई किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना हमको इसलिए नहीं मिल पा रहा था कि मम्मी को पेंशन मिल रही है, लेकिन जो वन चेक फॉर शहीद के लिए जो अभियान इन्होंने भैया जी ने चलाया है, उसके बाद में जो ये अभी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने सरकार तरफ से मंजूर कर दी है हमको। लेकिन साइन फॉर शहीद 31 जुलाई उधम सिंह जी के बलिदान दिवस से प्रारंभ हुआ था। आज लगभग 13 दिन उस अभियान को होते हुए हो गए हैं। 21 कस्बों में ये अभियान चल रहा है और अनेक स्थानों पे इसको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 5,46,000 रुपए के आसपास की घोषणाएं हो गई हैं, और वो जो घोषणाएं हुई वो निश्चित रूप से चेक में कन्वर्ट होगी। उसमें से बड़ी मात्रा में चेक आ भी रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि 26 अगस्त तक एक रिकॉर्ड टाइम में हम ये पूरी राशि रक्षाबंधन तक पूरी करके और मकान का निर्माण प्रारंभ कर दें। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं।